म्यूजिक तो है गाइस, इट्स मी सिंजी, वेलकम बैक टू अस्कमिक्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इस तरह का हैप्पी न्यू ईयर के ऊपर एक 3D स्टेटस वीडियो। अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो वीडियो को आप लोगों को फर्स्ट से लेकर अंत तक बिना स्किप किए देखना होगा। एंड दोस्तों इस तरह का वीडियो यूट्यूब पर बिल्कुल ही नया है, मैंने खुद इसे क्रिएट किया है, तो इस तरह का वीडियो बनाने और सोचने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगता है। इसलिए गाइज एक लाइक करके मुझे मोटिवेट जरूर करिएगा। एंड गाइज इस तरह का वीडियो बनाने के लिए जो भी मटेरियल का मैं यूज़ करूँगा उस सारा कुछ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन एंड टेलीग्राम चैनल पे लिंक नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग मटेरियल डाउनलोड करते हो और चले जाते हो। इसलिए गाइज आप लोगों को अगर मटेरियल डाउनलोड करना है तो वीडियो को देखते रहिए, आगे मैं बता दूंगा कहीं पर भी तो कहाँ पर आप लोगों को मटेरियल मिलेगा। ठीक है गाइज, तो चले गाइज इस तरह का वीडियो कैसे बनाया जाता है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह का अगर आप लोग स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो न्यू ईयर के ऊपर, तो आप लोगों को वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखना है। एंड दोस्तों इस तरह का यूनिक वीडियो आप लोगों को सिर्फ इसी चैनल पर मिलेगा, तो इसलिए गाइस सपोर्ट तो कर ही सकते हो आप लोग। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए इस तरह का वीडियो बनाने के लिए काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करें। इस एप्लीकेशन का लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। एंड दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे, इतना सिंपल कि आप लोग अगर एक बार इस वीडियो को देखते हो तो आप लोग बहुत ही सिंपल तरीके से कर पाओगे। इसलिए गाइज स्किप बिना करें आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, तो ओपन करने के बाद क्रिएट न्यू पे टच करना है, सेकंड वाले को चूज करना है, नेक्स्ट पे टच करना है। अब गाइज यहाँ पर इमेज पे टच करने के बाद एक ब्लैक कलर की इमेज सेलेक्ट करना है, इसे खींच के आप लोगों को यहाँ पर 20 सेकंड तक कर लेना है। अब आप लोगों को लेयर पे टच करना है, मीडिया पे टच करना है। ठीक है, अब आप लोगों को देखिए यहाँ पर क्या करना है, एक वीडियो फर्स्ट सेलेक्ट करना है, उसका लिंक आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा आगे मैं बताता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को देखिए ये जो है ये वाला वीडियो, इसे ऐड करना है इस तरह से। ऐड करने के बाद देखिए ये लास्ट तक हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अगर चाहो इसका लेंथ इंक्रीज़ करना तो आप लोग स्पीड में जाने के बाद इस तरह से इसे इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर 20 सेकंड तक कर लिया इसे। अब गाइज आप लोग क्या करना है, लेयर पर टच करना है, मीडिया पर टच करना है। यहाँ पर एक पिक्चर है देखिए ये वाला जो है, इसे आप लोगों को ऐड करना है, थोड़ा सा जूम करना है, लास्ट तक खींच लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो चाबी का आइकन है इस पर टच करें, टच करने के बाद यहाँ पर आइए लास्ट में प्लस आइकन पर टच करें, थोड़ा सा जूम कर लीजिए एंड आगे की तरफ इसे ले आइए इस तरह से। ठीक है, तो देखिए किस तरह से होगा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो देखिए ये इस तरह से होगा, जैसे दोस्तों ये तैरते हुए आगे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, लेयर पर टच करना है, मीडिया पर टच करना है। यहाँ पर गाइज आप लोगों को एक पेड़ वाला PNG मिलेगा, तो इसे आप लोगों को ऐड करना है इस तरह से। ठीक है, ऐड करने के बाद दोस्तों आप लोगों को इसे स्लाइड करना है। देखिए फर्स्ट तो इसे लास्ट तक खींच लीजिए, अब आप लोगों को इसे स्लाइड करना है, तो इस तरह से चाबी का आइकन पर टच करें, लास्ट में जाइए प्लस का आइकन पर टच करें, इस तरह से इधर के साइड से स्लाइड कर लीजिए। ठीक है, एंड गाइज आप लोगों को अब एक लिरिक्स वाला वीडियो ऐड करना है, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, लेयर पर टच करना है, मीडिया पर टच करना है। एंड यहाँ पर देखिए ये जो लिरिक्स वाला वीडियो इसे ऐड करें। यहाँ पर ऐड करने के बाद इस तरह से इसे ब्लेंडिंग पे जाइए नीचे की तरफ, इसे स्क्रीन कर लीजिएगा। एंड इसे आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए ये जो कैरेक्टर है उसके पीछे करना है, तो थोड़ा सा आप लोग जूम करें, देखिए आगे हो रहा है, तो आप लोग क्या करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है, यहाँ पर सेंड बैकवर्ड करना है, तो और एक बार कर लीजिए, तो देखिए बैक में चला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से ये होगा, बहुत ही बेहतरीन लगता है। एंड इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है एकदम से मैच करता है वीडियो के साथ। अब आप लोग क्या करना है, आप लोगों को लेयर पर टच करना है, मीडिया पर टच करना है। यहाँ पर देखिए और एक PNG है, उसे आप लोगों को ऐड करना है। तो ये गाइज ये PNG है, इसे आप लोग इस तरह से जूम करें, जूम करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, इस तरह से इसे सेट करना है, लास्ट तक खींच लीजिए इसे। एंड लास्ट तक खींचने के बाद या दोस्तों आप लोग इसे बीच तक खींच सकते हो। यहाँ पर चाबी के आइकन पर टच करें, उसके बाद यहाँ पर आइए चाबी के आइकन पर टच करने के बाद प्लस कर लीजिए, एक प्लस देने के बाद इस तरह से जूम करके ऊपर की तरफ इसे वैनिश करें इस तरह से। ठीक है, तो देखिए इस तरह से ये होगा, आप लोगों को मैं प्ले करके दिखाता हूँ। तो देखिए इस तरह से ये होगा, बहुत ही बेहतरीन एक लुक लगता है, एकदम से न्यू 3D स्टेटस है। ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर एक वोडा वाला PNG ऐड करना है, आपका वीडियो बनकर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं वोडा वाला PNG ऐड करके आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा हुआ है। ठीक है, तो गाइज वोडा वाला PNG को ऐड करें, इसे फुल स्क्रीन करें एंड इसे खींच के वीडियो को लास्ट तक कर लीजिए। गाइज यहाँ पर मैं ऑडियो के बिना प्ले कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। आप लोग अगर ऑडियो को साथ देखना चाहते हो तो आप लोग मेरे टेलीग्राम पे चले जाइएगा, वहाँ पर मैं फुल वीडियो सेंड कर दूंगा। तो गाइज देखिए बहुत ही बेहतरीन एक लुक ये देता है, एकदम से न्यू यूनिक वीडियो है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, एंड ऐसे अगर और आप लोग वीडियो देखना चाहते हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो और भी इस चैनल पर अपलोड होता रहेगा। तो इसलिए गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।